बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिला है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि सारे के सारे लगभग सीट्स जो हैं हमारे जर्मिनेट हो गए हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त राहुल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल मेरा बागीचा में। दोस्तों, आप मेरे हाथों में ये जो सीट्स देख रहे हैं, ये सीट्स जो है कि सदाबहार या विनका के हैं, और आज हम इस वीडियो में इसी सीट्स को लगाना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। विनका के सीट्स को लगाने के लिए मैंने जो है कोकोपीट ले लिया है। आप चाहें तो कुछ भी ले सकते हैं कोकोपीट के अलावा, जैसे कि नॉर्मल गार्डन की सॉइल, या फिर नॉर्मल गार्डन की सॉइल और थोड़ा सा उसमें आप जो है कंपोस्ट, चाहे काउडंग हो या फिर फुल्ली डिकम्पोस्ट हुआ गोबर की खाद हो, उसको ले सकते हैं। और लेने के बाद आप क्या कीजिएगा कि एक गमला ले लीजिएगा, उसका ड्रेनेज होल चेक कर लीजिएगा कि प्रॉपर तरीके से काम कर रहा हो। उसके बाद ये जो सीट्स हैं, ये सीट्स बहुत ही अधिक हैं, लगभग ये सीट्स जो है कि 50 की मात्रा में होंगे। अब करना क्या है हमें कि सिंपली जो है इस कोकोपीट में ऐसे स्प्रिंकल कर देना है, कुछ दूरी दूरी पे आपको इस तरीके से स्प्रिंकल कर देना है। मैंने सारे सीट्स को इसमें स्प्रिंकल कर दिया है। अब क्या करेंगे हम कि इस पर कोकोपीट की एक लेयर, पतली लेयर हम लोग इस पर बिछा देंगे, एक कोकोपीट की एक लेयर हम लोग इस पर बिछा देंगे अच्छे से, ताकि जो है जो सीड्स हैं विनका के वो पूरी तरीके से ढक जाए। दोस्तों ये देखिए, इसके सीड्स जो है पूरी तरीके से ढक चुके हैं। अब हमें क्या करना है कि इसमें वाटरिंग करना है। वाटरिंग करते समय दोस्तों ये ध्यान ये दीजिएगा आप कि स्प्रे से ही वाटरिंग कीजिएगा। उससे क्या होगा कि इसके जो सीड्स हैं वो अपनी जगह से हिलेंगे नहीं, और पानी भी जो है अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा ये कोकोपीट। दोस्तों मैं इस कोकोपीट में विनका के सीड्स को इसलिए लगा रहा हूँ, गर्मी का मौसम है और इस मौसम में जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, लगभग 45 डिग्री के आसपास ये टेम्परेचर चला गया है। और कोकोपीट में लगाने से क्या होता है कि जर्मिनेशन रेट अच्छी मिलती है। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये नमी को बनाए रखता है। जब पहली बार पानी दें इसमें तो पानी इतना दीजिएगा आप लोग इसके ड्रेनेज होल से जो है पानी बाहर निकले। और पानी देने के बाद इसको करना क्या है आपको कि इस सेमी शेडी एरिए में ऐसी जगह रखना है जहाँ पे केवल सुबह की धूप आती हो 2 से 4 घंटों के लिए, या फिर सेमी शेडी एरिया में रख सकते हैं, या फिर अगर ग्रीन की सुविधा हो आपके पास तो उसके नीचे भी इसको रख सकते हैं। कुछ नहीं है तो जो बड़ा पेड़ हो उसकी जो छांव आती हो वहाँ पे भी इसको रख सकते हैं, तब इसकी जर्मिनेशन रेट बहुत ही अच्छी मिलेगी। दोस्तों मिलते हैं इसके रिज़ल्ट के साथ। 5 दिन होने को हैं इस सीड्स को लगाए हुए, और ये देखिए विनका के सीड्स इसमें जर्मिनेट होना शुरू हो गए हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये सीड्स निकल आए हैं, इधर ये सीड्स जर्मिनेट हो चुके हैं, और इसकी जर्मिनेशन काफ़ी अच्छी चल रही है। 5 ही दिनों में मुझे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिल गया है। और मैंने जितने भी सीड्स लगाए हुए थे लगभग सारे के सारे सीड्स जर्मिनेट हो गए हैं। तो इस तरीके से जो है दोस्तों आप विनका के सीड्स को लगा सकते हैं। अब ये थोड़े से बड़े हो जाएँ तो मैं आपको दिखाऊँगा इसको रिपोर्ट करके कि कब इसको रिपोर्ट करना चाहिए। थोड़े से बड़े हो जाएंगे जब उसमें 3 से 5 पत्ते आ जाएंगे तो इसमें से आप निकाल करके किसी दूसरे पोर्ट में आप उसको आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं कुछ दिनों बाद दोस्तों। दोस्तों ये वो विनका के सीड्स थे जो जर्मिनेट हो गए हैं अच्छे से, और काफ़ी अच्छी मात्रा में इनकी जर्मिनेशन हुई है और इनकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी चल रही है। इनकी जर्मिनेशन देख लीजिए आप कितनी अच्छी हुई है, और जितने सीड्स लगाए थे मैंने लगभग उतनी जर्मिनेशन हुई है। कुछ सीड्स अभी ग्रो कर रहे हैं, यहाँ पे ये छोटा सा सीड्स देख सकते हैं आप, ग्रो कर रहा है अभी, तो अभी निकलना बाकी है, जर्मिनेशन होना बाकी है। और जो जर्मिनेट हो गए हैं वो ग्रो अपनी ग्रोथ शुरू कर दिए हैं। जब 4 से 5 पत्ते आ जाएंगे इस प्लांट पर तब इस प्लांट को आप निकाल करके इस पोर्ट से कहीं अन्य जगहों पर आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस प्लांट को, इस विनका के सीड्स को लगाने के लिए सबसे बेहतरीन मौसम रहता है फरवरी के बाद। आप जो है कि फरवरी के बाद और जुलाई अगस्त से पहले आप इसको जर्मिनेट कर सकते हैं इसके सीड्स को, क्योंकि उसके बाद ये प्लांट जो है डॉर्मेंसी में चला जाता है और इसकी जर्मिनेशन उतनी हो नहीं पाती है सीड्स की। तो इसीलिए इस समय समर के सीज़न में भी आप इसको अच्छे से ग्रो करा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी आपको। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जो है ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और आपसे निवेदन है कि इस चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं
तो जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।